नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे, जहां पर गोरखपुर महोत्सव को लेकर सीएम योगी ने बैठक की है। बता दें, सीएम योगी ने तैयारियों के संबंध में बैठक की है। और बता दें, बैठक में सीएम योगी ने कई अहम निर्देश भी जारी कर दिए हैं। वहीं श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो, ऐसा कहना सीएम योगी का है। जहां पर खिचड़ी मेले को प्लास्टिक मुक्त करने के निर्देश भी सीएम योगी द्वारा जारी किए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हुए, जहां पर सीएम योगी ने गोरखपुर महोत्सव को लेकर बहुत ही अहम निर्देश जारी कर दिए हैं, जहां पर कहा है कि खिचड़ी मेले को प्लास्टिक मुक्त रखने के निर्देश सीएम योगी ने जारी कर दिए हैं। तो सीएम योगी ने तैयारियों के बैठक में पूरी समीक्षा की है, जहां पर बैठक में सीएम योगी ने कई अहम निर्देश तमाम आला अधिकारियों को जारी कर दिए हैं। तो श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध की जाए, ऐसा कहना सीएम योगी का है। जहां पर इस बार जो है, इस मेले को प्लास्टिक मुक्त बनाया जाए और इसको लेकर तमाम दिशा निर्देश भी सीएम योगी ने जो है इस बैठक में जारी किए। बता दें, गोरखपुर महोत्सव होना है और इसी के चलते सीएम योगी ने तमाम आला अधिकारियों के साथ बैठक की और इस बैठक में तमाम दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां पर नोएडा में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने 15 साल के लड़के को पीटा है। बता दें, लड़के की पिटाई के कारण उसकी मौत हो चुकी है और साथ ही लाठी डंडों से जमकर इसकी मारपीट की गई है। तो 15 साल का छात्र रोहित नोएडा के नया गांव का रहने वाला बताया जा रहा है, जहां पुलिस ने कत्ल का मुकदमा फिलहाल इस मामले को लेकर दर्ज कर लिया है। बता दें, मामले में अभी तक पुलिस ने कोई भी गिरफ्तारी नहीं की है। और वहीं ये पूरा मामला नोएडा के फेस 2 इलाके का बताया जा रहा है। तो नोएडा का ये पूरा मामला, जहां पर बाइक सवार बदमाशों ने जो है 15 साल के छात्र की पीट पीट कर हत्या कर दी है। तो बता दें, पूरा मामला नोएडा के फेस 2 इलाके का, जहां फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं की है।